हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर एक्सप्लेनिंग लेसन 8 क्लास 4। इसके पहले मैंने आपको लेसन 7 एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने आपको एडिशन एक्सप्लेन किया। अब हम जो लेसन 8 है आपका, दैट इज अ सबट्रैक्शन। हम क्या पढ़ेंगे? सबट्रैक्शन। प्रीवियस क्लास में आपने सबट्रैक्शन कैसे करते हैं ये पढ़ा है, अब हम उसको और डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, फर्स्ट इज ओरल क्वेश्चन, सी द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। ओरली आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 85 माइनस 23। अब इसको हम ओरली कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जैसे डायरेक्टली, जैसे 5 में से 3 माइनस हुआ, 5 में से 3 माइनस हुआ तो कितने बचते हैं आपके? 2। कितने होते हैं? 2। तो आप ओरली 5 माइनस 3 आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? 2। और 8 में से 2 माइनस होते हैं तो 6। तो इसका ओरली आंसर कितना आ जाएगा आपका? 62। कितना आंसर आ जाएगा? 62। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज 140 माइनस 20। इसको ओरली कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 40 माइनस 20 कितना होता है? 20। 40 में से 20 माइनस होते हैं तो कितने बचते हैं? 20। देन ये जो रिमेनिंग नंबर है 1 राइट करके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 120। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज 4, 5 and 6 orally. Now, second question, what will be the answer? Second question आपका है, what will be the answer? Oral के ही मैं आपको explain कर रही हूं। माइनस होता है, लेस देन मतलब माइनस। 700 लेस देन 900, लेस देन का मीनिंग क्या हुआ? माइनस करना। मतलब 900 में से 700 को आपको क्या करना है? माइनस करना है। तो 9 में से 7 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे? 200। 9 में से 7 माइनस हुए तो कितने बचे? 2 और 2 0, तो आंसर इज 200। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 200। तो 700 लेस देन 900 That is 200, मतलब 900 में से 700 कितना कम है? जो 700 है वो 900 से कितना लेस देन है? तो 200। कितना लेस देन है? 200। इसे हम और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे 800 लेस देन 1000, तो आप ओरली 900 1000, तो कितना आ गया? 200 लेस देन है, कितने हैं? 200। ऐसे 20,000 लेस देन 50,000, 20 जो 1000 है लेस देन 50,000, तो 20,000 के बाद क्या आएगा? 30,000 40,000 50,000, मतलब 30,000 से क्या है? लेस देन। कितना कम है? 30,000 लेस देन। ऐसे आप ओरली भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 तो 5 तक आपको सेल्फ करने हैं। मैं यहाँ पर राइट कर देती हूँ होमवर्क में, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थे और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ओके, तो ये जो था आपका ओरली पार्ट था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब हम आते हैं पेज नंबर 46। नाउ ओपन द बुक पेज नंबर 46, रीडर। ये मैं होमवर्क आपने राइट कर लिया हो तो मैं इसको रब कर देती हूँ। पेज नंबर 46। पेज नंबर 46 पे रिटर्न पार्ट है फाइंड द आंसर। अब हमको उसको रिटर्न सॉल्व करके भी एक्सप्लेन करना है। जैसे अभी हमने ओरली एक्सप्लेन किया था, इसको हमको अब सॉल्व करके भी बताना है कि हम इसको किस टाइप से सॉल्व करें। ओके, तो किस
किस टाइप से हम सॉल्व करेंगे इसको देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द आंसर. आंसर फाइंड करना है आपको 2000 लेस देन 3500. अब लेस देन का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था, सब्ट्रैक्शन. लेस देन का मीनिंग क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है. इसको हम सॉल्व करेंगे 2000 लेस देन 3500. तो हमें जो बीगर नंबर है 3500 ये मैंने राइट किया. सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया इसमें से 2000 को हमको क्या करना है, माइनस करना है. जीरो जीरो फाइव में से जीरो गए कितने बचेंगे, फाइव. थ्री में से टू माइनस हुए वन. तो आंसर इज 1500. ओके तो आंसर कितना आ गया आपका 1500. उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड. फिंगर में जो आपकी फिंगर्स है उसमें फोर फोर लाइंस को काउंट करके कर सकते हैं.
कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 ले लिया और इसमें से 4 आपने क्या कर दिए माइनस कर दिया। आप उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे 7 में से आपको 3 माइनस करना है तो 3 के बाद गिनना स्टार्ट करें 4, 5, 6, 7 कितने आए 4, तो आंसर इज 4। 9 में से 6 माइनस करना है तो 7, 8, 9 कितना आया 3, तो 3। 4 में से 5 माइनस करना है तो एक डिजिट आपको पता ही है कि हम कैसे माइनस करते हैं। ओके, तो हम कैसे भी सब्ट्रैक्शन हम अपने माइंड का यूज करके हम किसी टाइप से भी उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसी का, ये मैंने फर्स्ट आपको एक्सप्लेन किया है। देन सेकंड क्वेश्चन इज 8011 एंड 7011, इसमें भी बिगर नंबर में से आपको स्मॉलर नंबर को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो 8011 7011 माइनस करना है, 1 में से 1 माइनस हो गया तो आपको पता है 0, 1 में से 1 माइनस हुआ तो कितना बचेगा 0 ही आना है, 1 में से 1 माइनस हुआ तो भी 0 आना है, 0 में से 0 माइनस होगा तो भी 0 आना है, 8 में से 7 माइनस करेंगे, 8 के में से 7 मतलब एक ही नंबर आपका माइनस करना 7, तो 8 माइनस 7 दैट इज 1, कितना आएगा वो 1। ओके, तो अवर आंसर इज 1000, तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 1000। ओके, तो ये जो मैंने क्वेश्चंस आपको दो क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर दिए, इसकी जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन है वो आपको करना है नोटबुक में, मैं राइट कर देती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को जो मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ में आ गया होगा। थैंक्स।